गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो थंबनेल देख के तो पता चल गया आप लोगों को कि नायका का हॉल है। नायका पिंक फ्राइडे सेल ऑलरेडी लाइव हो चुका है। सो यस गाइज, मैं आप लोगों के साथ वो सारे प्रोडक्ट तो मैं शेयर करूंगी कि जो मैंने न्यू परचेस किया है, जो मैंने ऑलरेडी दो बार व तीन बार परचेस किया है, वो सारे ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है और ऑनेस्ट रिकमेंडेशन भी होने वाला है। बट इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है बिकॉज मैं न्यू जो प्रोडक्ट ट्राई करने वाली हूँ वो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ये कर रही हूँ, क्योंकि आजकल कुछ प्रोडक्ट इतना ज्यादा वायरल है इंस्टाग्राम में, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सारे प्रोडक्ट को लिया जाए, फिर ट्राई किया जाए, फिर मैं बाद में भी उस सारे प्रोडक्ट को आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। तो इस बार मैं अनबॉक्सिंग ये सारे झमेला में नहीं जाती हूँ, ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग करके अपने प्रोडक्ट को रख दिया है साइड में, ऑन बाय और झटपट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो फेस वॉश से शुरू करते हैं। यस, सो ये है वाउ का विटामिन सी फेस वॉश। इसको लेने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है इसका कैप। मैंने कभी भी बाओ का प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट परचेस है बहुत सालों के बाद। बहुत साल मतलब ये ब्रांड तो बहुत सालों पहले लॉन्च हो गए, पर मैंने फर्स्ट टाइम ये ही यूज किए, मतलब करने के लिए ही मैंने सोचा कि एक बार ट्राई किया जाए फेस वॉश से कि कैसा होता है। और इसका जो ब्रश है इसी के वजह से, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव लगा कि अच्छे से फेस वॉश किया जाएगा। सो गाइज, ये मेरा फर्स्ट वाओ का परचेस है और इसका रिव्यू भी मैंने बहुत अच्छा मतलब देखा है, और जो लिस्ट में आता है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिव्यू था। और इसका प्राइस है 399। और मुझे नायका में जितना सारे मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर दिया है वो मैं 7 दिन 8 दिन पहले से ही प्लेस कर चुकी थी, ऑर्डर प्लेस कर चुकी, तो मुझे कोई भी प्रोडक्ट डिस्काउंट में नहीं मिला क्योंकि मैंने पिंक फ्राइडे सेल का वेट नहीं किया, उससे पहले ही ऑर्डर दे दिया था। पर आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग सेल का भरपूर आप लोग एकदम फायदा उठाओ, इसीलिए तो मैं वीडियो लेके आई हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट है एंड सेकेंड मैं फेस वॉश से ही शुरू कर रही हूँ। और ये मेरा सेकेंड परचेस है, आप लोगों को अगर याद होगा इसका मैंने ऑलरेडी हॉल वीडियो शेयर कर चुकी थी। तो ये ऑफकोर्स अच्छा है, हाईली रिकमेंड है, क्योंकि अच्छा चीज होगा तभी सेकेंड टाइम हम लोग परचेस करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। सो ये है एकोलॉजी का हाइड्रा फेस वॉश। मुझे थोड़ा सा फेस वॉश में हाइड्रेट जो करता है ना, मुझे वो टाइप का फेस वॉश अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको फिर परचेस किया है। एंड फेस वॉश का बात आ रहा है तो सेकंड भी ये है सिंपल का, ये भी हाइड्रेट फेस वॉश है। और ये मेरा थर्ड परचेस है, इसको फर्स्ट यूज कर लिया, सेकंड फिर थर्ड, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो ग्रीन वाला आता है और एक जो ऑरेंज वाला जो विटामिन सी का कैप का आता है, वो दोनों को मैंने एक एक बार यूज किया, फिर सेकेंड बार परचेस नहीं किया है, वो भी अच्छे है। बट इसको जब मैंने यूज किया ना इसके बाद तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगे, तो इसको मैं बार बार जब भी मेरा खत्म हो जाता है मैं इसको ऑर्डर करती हूँ। और ये सच में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से स्किन को क्लीन भी करता है और हाइड्रेट भी करता है, एकदम से टान टान एकदम नहीं लगता है। और विंटर के टाइम पे अभी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत ही इसका ट्यूब देख लो कितना ज्यादा बड़ा ट्यूब है, तो इससे क्या होता है ना बहुत लॉन्ग टाइम आपका फेस वॉश चलता भी है। और इसका प्राइस है 399। सो ठीक ही है, अभी डिस्काउंट में थोड़ा सा कम होगा, आप लोगों को मैं सारे प्राइस मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। सो ये फेस वॉश का मैटर खत्म हो गया, अब आते हैं मॉइस्चराइजर में। सो मैंने ये नीटोजेर का मॉइस्चराइजर मैंने मंगवाया है, ये ना न्यू पैकेजिंग में आया है, जो पुराना वाला था तो वो भी था, पर इसका न्यू पैकेजिंग है। ये हाइड्रो बूस्टर हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल, जिसके ऑयली स्किन है, थोड़ा सा सेंसिटिव है और जिसको कुछ भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता, पिंपल्स निकल के आता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर, क्योंकि लाइट वेट है। और ये मेरा सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, फर्स्ट नहीं, ये मेरा जन्मों का साथी है, क्योंकि इसको मैं कॉलेज के टाइम से यूज कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर से। मैं मॉइस्चराइजर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, पॉन्स का एक मॉइस्चराइजर जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था वो एक, और इसके बारे में कभी बोला नहीं था क्योंकि खत्म हो गया था, तो मैं क्या बोलूँ।
तो ये सेकंड वाला, ये दोनों पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइजर है वो भी बहुत ही हाइड्रेट करता है, और न्यूट्रोजेनर का ये मॉइस्चराइजर बहुत ही, आपका अगर हाइड्रेशन की जरूरत है तो आपको अलग से सीरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इस मॉइस्चराइजर के साथ भी अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर सकते हो। हाँ, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, और ये कितना प्यारा इसका कलर है, और ये इसका ना टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो ये हाईली रेकमेंड करूंगी, जो लोग लेना चाहते हो आराम से ले सकते हो, पर इसका प्राइस थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि इसको, हाँ इसका 1150 रुपया है। सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, बट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है, और एक अच्छा मॉइस्चराइजर में अगर इन्वेस्ट करना है तो इसको आप आग बंद करके ले सकते हो, क्योंकि सच में बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, और ये मेरा एक पर्सनल जेन्युइन रिव्यू के साथ। सो यस गाइस, मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर मैंने एक ही ऑर्डर दिया था, उसके साथ और कुछ प्रोडक्ट है। एंड मेरा नेक्स्ट परचेज है डॉट एंड कीकर रेटिनॉयल। सो रेटिनॉयल जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो आता है वो मैंने ऑलरेडी यूज किया है, एंड इसका रिजल्ट तो वाओ है, मैंने उसका रिव्यू भी शेयर किया था, पर वो मतलब मैंने यूज करने के बाद उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया था कैसे क्या हुआ, पर उसको मतलब पूरा जब खत्म हो गया था उसके बाद मैंने और उसको परचेस नहीं किया था, क्योंकि मैं कोलकाता में रहती हूँ और मैंने मुंबई में गई थी तब डॉक्टर दिखाया था, तो वहाँ का डॉक्टर मुझे उन लोगों का ही प्रिस्क्रिप्शन में वो दवा मैंने लिख के दिया था। उसके बाद ना मैं मुंबई गई ना मैंने, क्योंकि 5000 का समथिंग, और जो मार्केट में जो रेटिनॉयल जो टेटिनॉयल मिलता है वो तो नहीं उन लोगों ने मतलब प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रेटिनॉयल तो वो तो खत्म हो गया, बट क्यों ना मैं डॉट एंड की का मैं यूज करके एक बार देखूं। ये बहुत ही माइल्ड है, मतलब बहुत ही माइल्ड है, तो जिसका सेंसिटिव स्किन है थोड़ा सा कोई भी एसिड जाता है थोड़ा सा इफेक्ट होता है, तो उन लोगों के लिए मे भी अच्छा होगा, पर अभी इसके बारे में कुछ बोलना तो बेकार ही होगा, बिकॉज मैंने इसके यूज ही नहीं किया, जस्ट फर्स्ट मैंने परचेस किया है। ये है रेटिनॉयल, आई होप ये अच्छा वर्क करे। आहा हा, कितना इसका ये देखो पैकेजिंग, पैकेजिंग तो बहुत ही खूबसूरत होता है, एकदम गोल एक के जैसा अंडा एक के जैसा। इसका क्रीम भी बहुत ही एकदम पिंक क्रीम है, कोई स्मेल वैसा कुछ है नहीं। सो डॉट एंड की का, और डॉट एंड की के इसके साथ ही मैंने ये रेटिनॉयल सीरम भी मैंने ऑर्डर दिया है, क्योंकि रेटिनॉयल सीरम के बाद ही ये क्रीम को लगाया जाता है। सीरम तो व्हाइट कलर का ही है, ये बहुत ही माइल्ड है, तो स्किन में उतना ज्यादा मतलब इरिटेशन नहीं करेगा जैसे नॉर्मली रेटिनॉयल रेटिनॉयल करता है। आई होप ये अच्छा वर्क करे, देखती हूँ इसको लगा के पूरा दोनों का पूरा पूरा बॉटल खत्म करूंगी, उसके बाद मैं रिव्यू शेयर करूंगी, अगर रिव्यू शेयर करने का लाइक होगा, नहीं तो नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, मैं अभी यूट्यूब कर रही हूँ तो मैं यूज करती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, रिव्यू अभी उतना ज्यादा खास मैंने कुछ किया नहीं, रिकमेंड कर देती हूँ अगर अच्छा होता है तो, अदरवाइज ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर और फेस वॉश ही मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि होम रेमेडीज और जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है उसका ना हमेशा बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज हमेशा आप केमिकल्स अपने स्किन में नहीं लगा सकते, क्योंकि केमिकल्स एब्जॉर्ब होता है, कौन सा केमिकल लगा रहे हो, कौन सा ब्रांड का है, क्या है नहीं है। मैं YouTube कर रही हूँ तो मैं सारे प्रोडक्ट को मैं ट्राई करती हूँ, अच्छा होता है तो तभी मैं बताती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताती, क्योंकि होम रेमेडीज ऑलवेज सेफ होता है। सो यस गाइज, उसके बाद मैं आती हूँ ये सिंपल का मेकओवर, आई मीन मेकअप रिमूवर टोनर है, टोनर नहीं ये वाटर है मेकअप रिमूवर, ये मेरा फर्स्ट ही परचेस है, क्योंकि मैं गार्नियर का यूज करती थी। सो यस, अब है सनस्क्रीन की बारी। मैंने सनस्क्रीन, ये मेरा सेकंड परचेस है, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन का रिव्यू पहले भी शेयर किया था, ये मैंने ऑलरेडी एक बार यूज कर लिया था, एकोलॉजी का क्या है सनस्क्रीन। ये वाटरमिलियन एंड नियाचरामाइंड हाइड्रेट करता है, SPF 50 PA UVA UVB, ये बहुत ही अच्छा इसीलिए है क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करता है, मुझे सनस्क्रीन वो पसंद है जो व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइप है ज्यादातर मैं मॉइस्चराइजर को थोड़ा स्किप करती हूँ,
मैं मॉइस्चराइजर उतना लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उतना नीड नहीं होता है मॉर्निंग के टाइम पे, ज्यादातर कभी कभी लगा लेती हूँ। तो एक गुड अगर सनस्क्रीन हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको उसी में हाइड्रेशन मिल जाता है, स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। सो यस गाइस, ये मेरा सेकेंड परचेस है और ये सच में बहुत ही अच्छा है क्योंकि व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। और मेरा स्किन में एक बॉटल मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया तो मेरे स्किन में कोई भी पिंपल्स नहीं दिया है, क्योंकि जबकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और थोड़ा बहुत कुछ भी गलत प्रोडक्ट जाता है तो रिएक्ट करता है, तो इसने तो ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका प्राइस क्या है 399। सो ये भी अच्छा है, ये आप अगर चाहो तो ले सकते हो आप लोग। और एक सनस्क्रीन है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी एक बार शेयर किया था आप लोगों के साथ, मेरा नायका का कुछ हॉल में मैंने दिखाया था। ये मेरा सेकेंड परचेज है, तो ये डॉक्टर सेट का है हल्दी हाइडोरनिक एसिड सनस्क्रीन, SPF 50+ PA++++ हाइड्रेटिंग है, नो कस्ट है और ब्राइटिंग दिया है। तो ब्राइटिंग का तो सनस्क्रीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर ये सब का ब्राइटिंग, व्हाइटिंग, ग्लोइंग, फ्लोइंग ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका एक ही काम होता है। सनस्क्रीन का सिर्फ स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फेस वॉश का सिर्फ एक ही काम है कि आपको स्किन को क्लीन करता है, एंड मॉइस्चराइजर सिर्फ हाइड्रेट करता है, ब्राइटिंग व्हाइटिंग ये सब कुछ नहीं करता है, बकवास है, मार्केटिंग है, दैट्स इट। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू हो, बाकी आप लोगों को जो सही लगे। तो यस गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन सब में चलता है, मेरा ऑयली टू सेंसिटिव स्किन है तो मेरा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, से अच्छा मतलब है। और इसका भी और एक चीज़ आता है, मतलब इसी का ही हल्दी हाइलुरोनिक एसिड ऐसा कुछ, उसमें से एक्ने प्रोन स्किन का भी आता है, तो आप लोगों का अगर एक्ने है तो आप लोग उस हिसाब से भी ले सकते हो। तो ये एक अच्छा ब्रांड का सनस्क्रीन है, मतलब ब्रांड अच्छा है, इसका सनस्क्रीन ही सिर्फ अच्छा लगा मुझे, बाकी प्रोडक्ट के बारे में भी उतना कुछ कमेंट नहीं करूंगी तो। बट ये सनस्क्रीन अच्छा है, इसको मैं रेकमेंड कर सकती हूँ, तो ये आप ले सकते हो क्योंकि मैं सेकेंड बार ले रही हूँ, मतलब अच्छा ही होगा तभी मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब मैं ये जो फर्स्ट टाइम ले रही हूँ वो है आपका प्लम का कोकोनट हेयर सीरम। ये मेरा फर्स्ट परचेस है प्लम का, क्योंकि ऑलवेज मैं नॉरियल का जो एक आता है ऑरेंज वाला डब्बा वो मैं लगाती थी, तो ये मेरा फर्स्ट है। और इसका कलर कितना अच्छा है, पूरा ब्लू कलर का है कोकोनट। इसका मैंने लेने का एक ही था क्योंकि इसमें कोकोनट का, मतलब कोकोनट ऑयल का तो मैं अलग ही, मेरा एक मतलब इमोशन जुड़ा हुआ है क्योंकि हेयर में कुछ भी रहता है तो मुझे लगता है कोकोनट ऑयल से बेस्ट कुछ नहीं होता है, स्किन में कुछ होता है तो कोकोनट ऑयल। मैं बॉडी लोशन कभी नहीं खरीदती हूँ, जस्ट एक बार एक खरीदा है इस बार सिर्फ SPF वाला, ऐसा नॉर्मल बॉडी लोशन मैं नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मुझे वेस्टेज मनी लगता है, उससे अच्छा है कि मेरा कोकोनट ऑयल या फिर मेरा होम रेमेडीज बॉडी ऑयल ज़्यादा बेटर है। सो यस गाइस, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, इसका रिजल्ट का तो पता नहीं है, ये तो मैं बाद में आप लोगों को पूरा एकदम कोकोनट वाला है, पूरा एकदम ऑयली ऑयली, मतलब अच्छा, मतलब थोड़ा सा ही ऑन पम्प लेने से ही ओके है। नाइस ग्लो, आई मीन थोड़ा साइन तो कर रहा है, पर वैसे ही मेरा पहले से ही हेयर शाइनिंग है माशाल्लाह से, थू थू। सो अच्छा है, आपका अगर दिल करे तो आप ले सकते हो, पर रिकमेंड तो कैसे मैं करूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट परचेस है तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकती, पर दिल करे तो ले सकते हो। ये मैंने लिया है, इसे मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और मैंने बॉडी वॉश में एक साथ ही दिखा देती हूँ। मैंने दो बॉडी वॉश लिया है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है पहले मेरा हॉल वीडियो में, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका खुशबू बहुत अच्छा है। ये द बॉडी शॉप का है, आहा, दिल खुश हो जाता है इससे नहा के। ये रोज फ्लेवर का है और ये बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम भाई चलता है, क्योंकि थोड़ा सा लोगे ना तो इतना ज़्यादा फोम होता है और बहुत अच्छे से खुशबू देता है। और ये तो एवरग्रीन है इसीलिए क्योंकि इतना ज़्यादा कम दाम में इतना लॉन्ग टाइम चलता है, क्योंकि 200 का है और इसका तो दाम ज़्यादा है, दाम तो ज़्यादा तो है पर दाम दिखे तब ना, साइड में मैं लगा दूंगी, दाम तो नहीं दिख रहा है। पर ये भी बहुत, आप लोगों को किसी को अगर फ्रूटी और थोड़ा सा रोज फ्लेवर या फिर थोड़ा सा मिक्स, मतलब फ्लावर और फ्रूट का मिक्स अगर चाहिए ना तो ये वाला ले लो,
बहुत ही अच्छा है यार, 200 का है और ये थोड़ा 400 समथिंग का ये है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट दोनों अलग अलग ब्रांड है इसीलिए, पर दोनों ही अच्छा है, दोनों ही सेकेंड टाइम परचेस है तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि दोनों का मैंने पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ मैं। एंड अब आता है थोड़ा सा मेकअप सेकअप में से, ये मैंने लिया है मार्स का, ये इतना ज़्यादा मतलब इसको इसका जो पैकेजिंग है देख के लग रहा है कि ये 3-4 हज़ार का है, पूरा डियोर का मुझे ये ड्यूप लग रहा है बट ड्यूप का नहीं है, तो मार्स का है। ये है लिप टेंट ऑल्सो लिप बाम दोनों साथ में, इसका मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका कलर इतना अच्छा है, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ ये नहीं है कलर के वजह से। और एक चीज़, क्योंकि अभी है ना बहुत ही ज़्यादा वायरल है, मैंने बोला ना मैंने इंस्टाग्राम और इसमें रील्स में कुछ प्रोडक्ट देख के मैंने ऑर्डर दिया था, उसमें से ये भी एक है और इसका कलर देखो बहुत ही अच्छा कलर आया है, क्योंकि ऑल टाइम लिपस्टिक लगा के हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि लिपस्टिक एक भारी भारी रहता है, तो ये भी लगा के हल्का सा मेकअप करके अब जा सकते हो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो ये भी अच्छा है, दिल करे तो ले सकते हो क्योंकि इसका दाम ज़्यादा नहीं है, कितना दाम है वो तो अभी याद तो नहीं है। और इसका ये जो है ये हाइड्रेट करता है लिप को, और ओके लिप को हाइड्रेट ही करता है और तो कुछ नहीं है, 01 है इसका ना, 3 शेड है और भी एक है, एक साइड रेडिश है एक ऑरेंज टाइप है, वो आप देख लेना। अरे हमेशा ना आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो इस बार मिल गया तो मैंने ले लिया, अभी तो शायद मिलेगा भी नहीं क्योंकि अभी पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो अभी तो शायद और ही चल जाएगा। मेकअप का और मैं दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अभी वायरल, मैंने इसको यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत देखा है, वो है ये स्विच ब्यूटी का है, हाँ स्विच ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, तो ये मैंने बहुत मतलब शॉर्ट्स में मैंने बहुत देखा, मेरा डिस्प्ले पे तो बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने इसको लिया जाए, थोड़ा सा है अजीब टाइप का स्मेल, मतलब ठीक ठाक ही है मतलब, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कैसा ये है, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है, तो इसको ले सकते हो क्योंकि इसका जो प्राइस है वो तो कम है ही, क्योंकि इसका प्राइस है 289, मतलब 300 ही पकड़ ले रहे, फिर भी ये ठीक ही है, रिजनेबल प्राइस में है, तो मेकअप फिक्सर ऊपर से जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ठीक है क्योंकि पॉकेट मनी में इतना आ ही जाएगा और ये अच्छा भी होगा, आई होप सो, देखते हैं अगर अच्छा होगा तो वो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और मेकअप के लिए ये मैंने परचेस जो किया है, ये मेरा सेकंड परचेस है, वो है स्विच ब्यूटी का कंसीलर, स्विच ब्यूटी का कंसीलर ये मेरा सेकंड परचेस है क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज किया था तो अच्छा लगा था क्योंकि ये अच्छा कवरेज देता है, और कभी कभी होता है कि आपको फाउंडेशन लगाने का दिल नहीं करता, लगता है कि थोड़ा सा जहाँ पे दाग है अंडर आई एरिया में तो लगता ही है, तो वो सारे चीज़ कवर कर लो, दैट गुड टू गॉड, ये अच्छा खासा कवरेज दे देता है। और सबसे अच्छा पार्ट है इसका प्राइस, इसका प्राइस बहुत ही कम है, पर प्राइस कहाँ पे है मेरे को दिख नहीं रहा है, जब भी ज़रूरत होता तब भी कुछ नहीं दिखता है, 249 मतलब अच्छा 249 मतलब पूरा 250 पकड़ लेते हैं, 1 रुपया कम, तो ये अच्छा है। अभी शायद पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है तो आप लोग सुन रहे हो, ये बिल्ली एक टाइसन बाबू, मामा वीडियो बना रही है बाबू, मामा वीडियो बना रही है बाबू, भोगी भोगी मत करो, गुड बॉय। कौन है कौन है गाइस, शायद कोई आया होगा, मैं देख के आती हूँ। ओके गाइस, टाइसन थोड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि कोई आया था डोर पे इसलिए, एनीवे तो ये कंसीलर मेरा सेकंड परचेस है, अच्छा है, फुल कवरेज है, और ऑल्सो कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा कम रेंज में बहुत ही रिजनेबल रेंज पे अगर कुछ कंसीलर अच्छा वाला कंसीलर चाहिए तो ये आप ले सकते हो, ये मैं रेकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि सेकंड परचेस आदमी तभी करता है जबकि वो अच्छा होता है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया कितना बार बताऊँ, और ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है
तो मैंने एकदम, आप लोग जैसे देख पा रहे हो कि मेरा स्किन टोन से एक ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा कैमरा में, मुझे पता नहीं है, पर ये मेरा स्किन टोन से एक सेट लाइट है, क्योंकि जब मैं लगाती हूँ उसका थोड़ा देर बाद, जैसे कि आधा घंटा होगा एक घंटा बाद, ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर आपका स्किन टोन में वो पूरा आ जाता है। सो इस बार मैंने सेड ओ लिया है क्योंकि मुझे समझ में आया है, अगला बार जब मैंने लिया था मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन में लिया था तो उससे क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज होके और ज्यादा ब्लैक लग रहा था। तो मैंने एक सेट अभी थोड़ा सा लिया है लाइट, ताकि ऑक्सीडाइज हो जाए तो मेरा नॉर्मल स्किन टोन में आ जाए। तो ये वाला अच्छा है क्योंकि इसका ना कवरेज बहुत अच्छा देता है, जबकि इसका दाम बहुत ही कम है। स्विच ब्यूटी का अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने बहुत रिव्यू भी सुना है, और जितना यूज अभी तक कंसीलर ही यूज़ किया है, और एक मेरा छोटा आई शैडो पैलेट भी है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। तो हो गया, और ये बहुत ज़्यादा भी वायरल हो रहा है पता नहीं क्यों, लैक्मी का ये मॉइस्चराइजर एंड हाईलाइटर बोथ। ये मेरा जो पहले वाला जो था वो हाइलाइटर का काम नहीं करता था, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा हल्का शाइनिंग देता था, ये पूरा एकदम हाइलाइटर का काम करेगा। आई होप अच्छा हो ये, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर दिया है। सो ये तो ओप्स पिंक कलर का, पूरा पिंक कलर का है एंड अच्छा ही होगा। हाँ, स्किन को हाइड्रेट, ज्यादा हाइलाइटर मीन्स व्हाट, स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट वगैरह करेगा, थोड़ा सा हल्का सा ग्लो जैसा होता है वही करेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ खास हाइलाइटर का इफेक्ट तो नहीं देगा, वो तो सिर्फ मार्केटिंग है, इसलिए शायद यहाँ पे मेंशन किया होगा ये सब, और कुछ नहीं होगा। बट फिर भी मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि इसका जो पहला, अभी तो ये नया लुक में लॉन्च हुआ है, पहला वाला जो है वो मैंने पूरा ट्यूब यूज किया था, क्योंकि उसको लगाने के बाद कॉम्पैक्ट कंसीलर लगा लो, कॉम्पैक्ट लगा लो तो आपका स्किन अच्छा खासा कवरेज और एक मतलब प्रेजेंटेबल लुक आ जाता है। तो वो लुक करके भी मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, तो आपको नीड नहीं है ज्यादा मेकअप करने का। सो यस गाइस, तो इसीलिए मैंने इसको सेकेंड बार भी ले लिया है, तो ये भी अच्छा है और इसका प्राइस भी ठीक ठाक ही है, तो आप लोग ले सकते हो, पर प्राइस कहा दिख नहीं रहा है, मैं साइड में ले लूँ, आप लोगों को लगा दूंगी, अगर दिल करे तो ले सकते हो आप लोग। रिकमेंडेशन का ऐसा कुछ नहीं है, मेकअप में क्या रिकमेंडेशन करूँ, जो थोड़ा सा आपको अच्छा लगे वही रिकमेंडेशन करना चाहिए, और मेकअप में खास करके थोड़ा सा मतलब सोच समझ के ही लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का स्किन टोन अलग होता है ना। जैसे कंसीलर का, मुझे पता है कि कंसीलर अच्छा भी है और थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाई, पर ये सारे जो मॉइस्चराइजर जो हाइलाइटर है उतना नीड नहीं होता है। तो बहुत सारा ऐसा जो छोटी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग कभी कभी क्या होता है, नॉट ऑल ऑफकोर्स, मैं उतनी बड़ी कुछ अभी कुछ किया नहीं लाइफ में, जो मेरा वीडियो सबको ही दिखता होगा, पर अगर एक किसी ने देख लिया उसको अगर अच्छा लग गया तो उसको लगेगा लेना होगा, पॉकेट मनी से बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग भी उस एज से गुजर के आए हैं। तो इसीलिए आप लोगों को दिल होगा वो सारे ही जो नीड है वो सारी चीज लेना। मेरा सिर्फ ये है कि मैं YouTube कर रही हूँ, मैं कुछ चीज़ें परचेस कर रही हूँ, कुछ चीज़ें अच्छा लग रहा है आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, कुछ चीज़ नया ट्राई कर रही हूँ, तो एक हॉल वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज जो नीड होगा वही परचेस करना और नहीं तो मत करना। सो ये सारे, अब ऑर्डिनरी का इस बार मैंने बहुत शॉपिंग किया है, क्योंकि इस बार ऑर्डिनरी इतना ज़्यादा वायरल जा रहा है, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। सो ऑर्डिनरी का ये जो प्रोडक्ट है ये मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी, वो है नियासरामाइन 10%। मेरे दूसरा ब्रांड का ट्राई किया है और अभी वो भी यूज कर रही हूँ मैं, तो उसका रिजल्ट मैं बाद में बताऊंगी। और खुल जा भाई, ऑर्डिनरी की एक चीज अच्छा लगता है, सब चीज ग्लास बॉटल में आता है और इसका पूरा गाढ़ा पूरा ठीक है, पर इसके साथ ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी भी है, कॉन्ट्रोवर्सी यही है कि इसके, सो ऑर्डिनरी का सब ग्लास बॉटल में आता है, अच्छा चीज है, पर ऐसा जैसे पूरा एकदम कांच बॉटल में जो आता है ना, थोड़ा सा डार्क कलर होता तो अच्छा होता, अगर इसमें सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है तो आपका जो सीरम है ना वो ऑक्सीडाइज होता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए इसके डार्क प्लेस में रखने के लिए, ड्रॉयर वायर में या फिर अलमारी में ओपनली मत रखना, नहीं तो आपका जो सीरम है वो खराब हो जाता है।
सो इसका रिव्यू मैं बाद में दूंगी, अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा हाइप में है। इंस्टाग्राम में मेरा बहुत ज्यादा आ रहा था कि इसमें बहुत सारा चीज फलाना फलाना हो जाता है, तो देखे वाला कि क्या होता है इसके बारे में। तो मैंने ये लिया है और ये शायद छोटा बॉटल है, मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम ही लिया है। 550 का है, सेकेंड है ऑर्डिनरी का ही है। ये है मल्टी पेप्टाइड HA सीरम। ये सीरम भी बहुत ज्यादा, ये सीरम तो बहुत ही फेमस एक जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने रिकमेंड किया है, और यूट्यूब इंस्टाग्राम में वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया जाए। तो ये भी सेम व्हाइट में ही आता है, इससे सारे सीरम तो एक जैसे ही शक्ल का आता है, सिर्फ नाम अगर ना लिखा हो तो समझ में नहीं है कौन सा क्या है। तो इसका प्राइस क्या है भाई? अच्छा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पता नहीं था। 1500 का है ये, और मैंने क्यों ऑर्डर दिया? कुछ ज्यादा ही मतलब वायरल प्रोडक्ट के पीछे भागो तो ऐसे ही होता है। एक्चुअली एक साथ ऑर्डर दिया था ना, तो मुझे समझ में नहीं आया था प्राइस, भूल गई थी मैं। तो 1500 का है, 1555, 1550 का एक सीरम है। तो भला ये क्या मतलब है, सीरम में लगाऊं मैं? और इसके बारे में तो जरूर रिव्यू करूंगी, अगर ये अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर बुरा हुआ तो आप लोग कोई मत लेना, अभी भी मत लेना, रिकमेंड नहीं करूंगी। फर्स्ट टाइम है, देखती हूँ इस सीरम से पहले होता क्या है, उसके बाद ही। पैसा अभी वेस्ट मत करना, मैंने कर लिया है, आपके आप ही ने कर लिया है, तो आप लोग बाद में करना आफ्टर रिव्यू। बहुत सारा ऐसा सेल आते रहेंगे, क्या बोलते हो, है ना? और एक है ये, बहुत आप लोगों ने अभी देखा है, इसका बहुत वायरल है, ये हर जगह पे आपको दिखने मिला होगा, इसको मैं अभी दिखाती हूँ। और इस ये जो ऑर्डिनरी का ही है, ये सीरम एक चीज से आई थिंक फेमस है, वो है इसका कलर, समझ गए होंगे आप लोग। मैं दिखाती हूँ, ये देखो पिंक कलर का सीरम, तो ये है पिंकी पिंकी सीरम। और इस सीरम का दाम भी बहुत ज्यादा है, 1800 समथिंग है, यहाँ पूरा 1800 है, पूरा 1800, कोई डिस्काउंट नहीं है। और अभी भी पिंक फ्राइडे सेल में भी कोई डिस्काउंट नहीं है, शायद दो के साथ एक कुछ क्लींजर वगैरह कुछ फ्री दे रहा है, क्योंकि ऑर्डिनरी में ऐसा कुछ डिस्काउंट होता भी नहीं है। एंड ये है सूदिंग बैरियर सपोर्ट सीरम, मतलब आपके अगर स्किन में, जैसे इसको लेने का ना और एक रीजन है, एक तो वायरल प्रोडक्ट है, एक मुझे ट्राई करना था, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब कर रही हूँ ना, तो मेरे में बहुत ज्यादा ये होता है कि ये भी मतलब कुछ अगर ऐसा हाइप में चलता है, मेरे को लगता है कि मैं ट्राई करूँ एंड देन मैं अपना व्यूअर को शेयर करूँ एक्सपीरियंस कि अच्छा है क्या, बुरा है कैसा है नहीं है। क्योंकि ये भी एक काम के साइड में पड़ता है कि आप अपना ऑडियंस को मतलब बताओ चीजों के बारे में कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर सेंसिटिव स्किन है, कुछ भी लगाते हो तो आपको रिएक्ट करता है, जलन होता है, इचिंग होता है, फिर बाहर जाते हो डस्ट वगैरह से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको आपको कूल डाउन करने में, स्किन को रिपेयर करने में ये हेल्प करता है, अभी तक ऐसा है। और ये मेरा सेकेंड परचेज है, पता है, पर फर्स्ट जो परचेज किया भी था उसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया है, और मैं बार बार ऐसे फेस में हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पेट है, कैट, दो कैट है, तो उन लोगों का जो हेयर होता है ना, बहुत ही फाइन हेयर होता है, तो उड़ता रहता है, अगर फेस में कहीं फेस में वगैरह में जाता है ना, तो बहुत मतलब थोड़ा ऐसा ऐसा इचिंग टाइप होता है, तो इसीलिए मैं हाथ लगाती हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। ये जो प्रोडक्ट है, ये मेरा बिल्ला लोगों की वजह से इसको टूटा है, क्योंकि टूट गया है, इसको मैंने यूज किया था पूरा 37 डेज, गिना हुआ 37 डेज, और ये मुझे परसों दिन रिसीव हुआ है, क्योंकि ये ना 24 आवर के अंदर ही इसका डिलीवरी दे दिया। नायका का इतना फास्ट डिलीवरी कोलकाता में हो रहा है, सिर्फ इसी का ही डिलीवरी हुआ है, बाकी सब तो 3-4 दिन में हुआ था। गाइज, ये मेरे 30 मतलब ठीक है, एक महीना ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो मैंने लगाया था तो मुझे अच्छा लग रहा था, तभी मैंने सेकेंड बॉटल भी मंगवाया है। ऐसा बेवकूफ तो नहीं हूं मैं कि 1800 का एक प्रोडक्ट जस्ट वायरल है तो ऑर्डर कर रही हूँ, एंड फिर भी मुझे वीडियो शूट नहीं किया, फिर मैं वीडियो शूट करने के लिए फिर 1800 का एक प्रोडक्ट ये करूँ, उतना मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत मेहनत से मैं जॉब करके अपना पैसा कमाती हूँ। गाइज, ये सच में अच्छा लगा था, और इसके बारे में रिव्यू करूंगी, क्योंकि
और थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, है ना। अभी और 15-20 दिन और थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, एटलीस्ट 15 दिन और यूज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके रिव्यू करूंगी आराम से। सेंसिटिव स्किन के जो गर्ल्स है, बॉय है, उन लोगों के लिए अच्छा ही है। अदरवाइज इसका और कुछ नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं है पिंक कलर का देख के कि बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा, पिगमेंटेशन चला जाएगा, फलाना हो जाएगा, हलाना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम, सो ये सीरम के बारे में भी बहुत ज्यादा सुन रहे कि ये सीरम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैंने सोचा इतना जब वायरल जा रहा है तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो इसको ट्राई करेंगे गाइस, ट्राई करने के बाद फिर आप लोगों के साथ मैं रिव्यू शेयर करूंगी। इसका ना एक चीज अच्छा लगता है क्योंकि ना ब्लैक बॉटल में आता है, तो इससे क्या होता है ना, ऑक्सीडाइज नहीं होता है आपका सीरम कुछ भी। तो इसका भी ओ ये पूरा तो वाटर ही है, पूरा वाटर है, अच्छा है, पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा जल्दी से। आई थिंक क्या, हाँ वो ही होगा और क्या। इसका प्राइस है 799, क्योंकि एक रुपया कम 800, एक रुपया कम करके बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया ऐसा लग रहा है। एनीवे, तो ये 800 का सीरम एक्चुअल में वर्क करेगा कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, वो मैं बाद में बोलूंगी, बट मैंने ये भी एक लिया है बिकॉज ऑफ वायरल जा रहा है, इसीलिए देख रहे हो कितना पैसा मैं ऐसे उड़ा रही हूँ जस्ट ट्राई करने के लिए कि अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं है, बिकॉज आप लोगों को मुझे रिव्यू देना है और आप लोग एक सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। जितना भी यार 10-15 जितना भी बीस जा रहा है, चल 10-15 लोग ही क्यों ना देखे, देख तो रहे हो भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो, इतना तो डिजर्व करती हूँ, जल्दी से करो आप। चलो अब मैं आती हूँ और एक प्रोडक्ट पे, ये शायद लास्ट प्रोडक्ट होगा आई थिंक। सो ये भी है मिनिमलाइज्ड का ही है, तो ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी, अरे न्यू लॉन्च है तो मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए। सो ये है लिप बम, और ये कुछ नहीं है, लिप बम है गाइस, यही है नायका का पिंक फ्राइडे सेल बोलो, या फिर इंस्टाग्राम का वायरल रील, या फिर वायरल जो अभी चल रहा है प्रोडक्ट, उसी का एक कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी किया है, कुछ प्रोडक्ट का मैंने खुद परचेस किया है, और कुछ कुछ मुझे ट्राई करना था, मुझे भी देखना था कि एक्चुअल में वो वर्क करता है कि नहीं करता है। जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड में, जैसे पीछे ये सारी चीज में लिखा रहता है, प्रॉमिस किया रहता है कि ये होगा वो होगा, तो पहले ट्राई करते हैं उसके बाद देखते हैं, अगर अच्छा होगा तो मैं कोई ना कोई वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों से भी मिलूंगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रही है और नायका का पिंक फ्राइडे सेल इंजॉय कीजिए। ओके बाय।